ब्रेक पे जाने से पहले कॉलर ने सवाल किया था और वो पूछ रही थी कि हिजाब, हुस्न हकीकत और अक्ले माद में क्या फ़र्क है। तो वो हज़रत वाला से ही समझना चाह रही थी। आइए हज़रत से पूछते हैं कि हज़रत इनमें क्या फ़र्क है और इनकी क्या हकीकत है। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। अच्छा सवाल किया आपने कि हिजाब हुस्न हकीकत और अक्ल माद में क्या फ़र्क है। असल में हिजाब हुस्न हकीकत पहला स्टेप है और अक्ल माद दूसरा स्टेप है। यूँ समझें, ये ऐसे कि जैसे कोई एक हसीन चेहरा है, उसके ऊपर हिजाब है। अब वो हिजाब हट जाए, उस हसीन चेहरे को जब कोई देखे तो देखने वाला उसके हुस्न जमाल को देख के अल्लाह के हुस्न जमाल का ख्याल कर ले और ये तसव्वुर करे कि जिस खालिक ने इस मखलूक को इतना हसीन व जमील बनाया है, उसके अपने हुस्न व जमाल का आलम क्या होगा। ये तो पहला स्टेप, तो हिजाब हुस्न हकीकत, उससे हिजाब हटा और हकीकत का जो हुस्न है वो सामने मुनकशिफ हुआ, उसको देखकर उसने दूसरा स्टेप अक्ले माद यानी दुनिया की इस चीज़ से गोया कि आखरत का एक तसव्वुर बांध लिया। इसको अक्ले माद कहते हैं कि दुनिया की चीज़ें होती हैं उनमें से आखरत का सबक ले लेता है, इसको अक्ले माद कहा जाता है। तो भाई हिजाब हुस्न हकीकत पहला स्टेप है और अक्ल माद दूसरा स्टेप है कि इंसान उसके हुस्न जमाल को देख के फिर अपने खालिक का पता ढूंढ लेता है कि जिस खालिक ने मखलूक इतनी हसीन जमील बनाई है, उसके अपने हुस्न जमाल का आलम क्या होगा। ये तसव्वुर बांध के अल्लाह तबारक व तआला की अजमत और कुदरत उसके कल्ब में उतरती है और उसकी मार्फत का नूर उसको नसीब होता है और फिर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ वो कदम बढ़ाता है। अच्छा।